वही सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी धमतरी में इसकी बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है, जिस पर नगर निगम अमला ने शहर के 17 दुकानों के साथ ही शराब दुकानों के पास खोमचों पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों ने बड़ी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किया है, साथ ही दुकानदारों से 12,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। प्रतिबंधित प्लास्टिक और डिस्पोजल सिंगल यूज प्लास्टिक पे कार्रवाई अभियान हमारा जो है वो चला है। इसमें हमने 17 दुकानों से अलग अलग पॉलिथीन और डिस्पोजल सिंगल यूज प्लास्टिक ये सामग्री जब्त की है और ऐसे 15 लोगों पे हमने लगभग 12,000 जुर्माना लगाया है। हम लगातार अपील करते आ रहे हैं जो व्यवसायी हैं उनसे कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन जो है वो विक्रय न करें और इसका उपयोग करने के लिए जो ग्राहक आते हैं उनको भी आप समझाएं। इस तरह की अपील जो है हम लोग लगातार कर रहे हैं और कार्रवाई के दौरान भी हम लोग ये समझाइश दे रहे हैं। आज बड़ी कार्रवाई जो है निगम क्षेत्र में हमने की है। यह कार्रवाई जो है हफ्ते और 15 दिन के भीतर में वापस से रिपीट करते रहेंगे और रेगुलर कार्रवाई हम लोग करेंगे।